एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रही है। दरअसल महिला का आरोप है कि पहले ससुराल वालों ने उसे घर से बेघर किया, फिर फर्जी तरीके से वसीयत बनवाकर घर और जमीन सहित 1.5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए महिला का जिंदा रहते मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। वहीं महिला अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। महिला ने अपने पति, जेठ और उसके लड़के पर मायके की दी हुई संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए। जिस साल पहले मेरी शादी हुई थी, मैं यमी होने की रहने वाली लड़की हूँ, समझ में मेरी शादी हुई थी। फिर इन्होंने 2010 से मुझे टॉर्चर करने शुरू कर दिए, फिर मैं चली गई थी रिश्तेदार की यहाँ, आउट लेने लगी, कुत्तों की तरह रोटी खाने लगी, इधर उधर भटकने लगे। मेरे पति ने पूरी अपनी जमीन सियाराम शर्मा, उन्होंने अपने भैया भतीजे की नाई कर दी, गंगा चरण की नाई कर दी। नारायण दास की नाई कर दी और सबोध शर्मा, अनिल शर्मा, इन लोगों को दोनों भतीजे, उनके नाई कर दी उन्होंने जमीन। मेरी नाई कुछ भी नहीं रखा। हम रुक करेंगे संवाददाता सौरभ शर्मा का, भिंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, महिला की हम पुकार समझ सकते हैं, उसकी परेशानी क्या है? जीते जी उसे मार दिया गया है, फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया, क्या कार्रवाई हुई है अब तक मामले में? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेहोनी गांव की महिला है और बगल के ही गांव में इसकी शादी हुई थी, इसके परिजनों ने इसे मरा हुआ घोषित करके इसके मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिए थे और कई ऐसे दस्तावेज थे जो उसे जिंदा में ही उसके मरवा दिए थे। उसके बाद इसकी पूरी प्रॉपर्टी, 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके हड़पने का इसने आरोप लगाया। ये बताया कि हमारे जो ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी हड़प ली है, उसने गुहार कलेक्टर के यहाँ भी लगाई थी, एडिशनल SP के यहाँ भी लगाई थी, लेकिन उसकी अब सुनवाई जिसकी जाँच शुरू कर दी और उसकी सुनवाई हो रही है यहाँ पर। जी दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए सौरभ इस खबर पर।